आज के सर्वे का अगला सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। और क्या है वो अगला सवाल? जी हाँ, इस सवाल का जवाब जानने में आपको दिलचस्पी होगी। सवाल यह है, क्या योगी सरकार से नाराज हैं और बदलना चाहते हैं? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या योगी सरकार से नाराज और सरकार को बदलना चाहते हैं। इसके जवाब मैं आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि क्या लगता है यूपी में कौन जीतेगा। ये वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज के सर्वे का, और इसके आंकड़े जरा देखिए, क्या लगता है यूपी में कौन जीतेगा। 6 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक की जो तस्वीर उभर रही है उसमें बीजेपी जीतेगी। सबसे ज्यादा कहने वाले लोग बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन 6 दिसंबर के मुकाबले 16 दिसंबर में इसमें 1% की कमी जरूर आई है। हालांकि 10 दिन में 2% का डिप हुआ, पर कवर करके 6 दिसंबर और आज के मुकाबले कमी अभी भी 1% की बनी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी को लगातार टक्कर देते हुए, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी ये कहने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ती हुई, 29% थी 6 दिसंबर को, और आज की तारीख में आप देख सकते हैं ये आंकड़ा 2% बढ़कर 31% पर पहुंच चुका है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस 9% से 8%, बीएसपी में भी 1% की गिरावट और कांग्रेस में भी 7%, 6 दिसंबर को कहने वाले लोग थे, और आज की तारीख में वो लोग जो कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी उनकी संख्या 1% घटकर 6% पर आ गई है। कुल मिलाकर ये वो बड़ा आंकड़ा है, और इसी पर अब जरा जनता के मन की बात जानने के लिए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। सबसे पहले लखनऊ लेकर चलते हैं, संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है, और संजय त्रिपाठी से ये जानते हैं, क्योंकि आपके साथ बीएसपी और अन्य दलों के नेता भी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया भी हैं, तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई में सर्वे में एक बात साफ हो रही है कि सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, बाकी अन्य पार्टियां तो पिछड़ रही हैं। संजय? बिल्कुल रोमाना, और मेरे साथ इस वक्त भाजपा के और कांग्रेस के नेता भी शामिल हो चुके हैं इस चर्चा में। मैं उनसे ही शुरू करूंगा। ओंकार सिंह है कांग्रेस पार्टी के, जो हमारे सर्वे में नतीजे आ रहे हैं उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी और भाजपा की सीधी लड़ाई हो रही है, कांग्रेस कहीं पर फाइट में नहीं है। अब देखिए, सर्वे की बात अगर किया जाए तो फिर तो चुनाव बंद कर देने चाहिए, आपके ऊपर हम निर्णय छोड़ देते हैं। जितना आप चाहिए भाजपा को दे दीजिए, जितना चाहिए समाजवादी पार्टी को दे दीजिए, जिसकी चाहिए उसकी सरकार बनवा दीजिए, समय आने दीजिए। सामने आ रहा है मामला, किस तरह से कांग्रेस मेहनत कर रही है और कैसे चर्चा में है, लोगों के बीच में बातचीत कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रियंका गांधी जी जिस तरह से सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और हर मौके पर हर जगह वो मौजूद मिलती हैं, चाहे वो लखीमपुर खीरी कांड हो, चाहे वो मिर्ज़ापुर का कांड हो, चाहे हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो, हर जगह प्रियंका जी जाती हैं और वहाँ पर जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। जब कोरोना में यात्री पैदल चल रहे थे तब भी वो चारों तरफ दौड़ रही थी और सरकार से निवेदन कर रही थी कि आप हर हालत में ये इन बसों को लीजिए जिनको उन्होंने दिया था। सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा इसमें 10-20 नंबर खराब है, वो मुकदमा कर दिया और अध्यक्ष को जेल में बंद कर दिया। उन बसों को लेके, उन बसों से नहीं छुड़वाया उन्होंने। मुद्दा पुराना हो गया, आज की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है, क्या लग रहा है आपको? आप तो भाजपा से जुड़े हुए। देखिए संजय जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चहुमुखी विकास उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद हुआ है, चाहे वो सांस्कृतिक विरासतों को आप देख लीजिए, उन सब को संजोने का कार्य किया गया है, डेवलपमेंट के जितने कार्य हैं धरातल पर आपको दिखाई पड़ेंगे, जिनका शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, उनके उद्घाटन भी किए गए हैं। लोग सपनों में शिलान्यास करते हैं, पत्थर लगाने को ही मान लेते हैं कि इसका शिलान्यास हो गया, काम पूरा हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हकीकत में कार्य किया है, धरातल पर कार्य किया है, अंतिम पंक्ति तक, अंतिम छोर तक अपनी सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। इसी बात को लेकर के हम कह सकते हैं, और जनता के बीच हम इसी बात को लेकर जा रहे हैं, हम अपने विकास के एजेंडे को ले जा रहे हैं, जो हमने रोजगार लोगों को दिए हैं, जो हमने सुरक्षा का एहसास कराया है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियों की सुरक्षा का सबसे बड़ा चुनौती थी 2017 से पहले, उसको हमने बेहतर तरीके से काम किया है, और चाहे वो कोविड प्रबंधन की बात करें, कोविड प्रबंधन में बेहतर कार्य किया है। WHO की आप रिपोर्ट देख लीजिए, उसने भी सभी राज्यों ने उत्तर प्रदेश की सरकार का माना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर कार्य किया। WHO ने माना है कि बेहतरीन कोरोना प्रबंधन हुआ, विकास के एजेंडे को लेकर जाएंगे, कहाँ ठहर रही समाजवादी पार्टी? देखिए सवाल ये है कि ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने हमारे कोविड का जो प्रबंधन था उसकी तारीफ की। मैंने कहा जो लखनऊ के आउटर के सांसद थे आज मंत्री हैं, वो तो चिट्ठी लिख रहे थे ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं, लखीमपुर के सांसद विधायक लिख रहे थे, सीतापुर के रख रहे थे, माने ऑस्ट्रेलिया वाले जानते हैं। मैं बोलूं अपनी विधानसभा के, आप बोलूं, मैं पत्र लिखता है, अच्छा ठीक हो गई, अच्छा हो गया। अब मैं बोलूं तो आपने देखा कि विधायकों ने, सांसदों ने लिखा कि यहाँ पे कुव्यवस्था है, यहाँ व्यवस्था नहीं है, अपने सांसद विधायक पर भरोसा नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया वाला सांसद बताएगा कि यहाँ पे क्या
सोचिए उत्तर प्रदेश के अंदर में लोग तड़प तड़प के मरे बिना ऑक्सीजन के, आपने लाशों को नदियों में तैरते आया, जानवर नौचते नजर आ रहे थे। और जहां तक कि अपराधी की बात कर रहे हैं, अपराधी तो आपने देख ही लिया। और डेवलपमेंट इनका ये है कि ये वहाँ ईंट एक ईंट रख देते हैं, कहते हैं चालू हो गया, उद्घाटन हो गया, शिलान्यास को उद्घाटन बताते हैं और चाइना की फोटो लगा देते हैं, चाइना की फोटो लगा के बताते हैं देखो कितना भव्य स्टेट हमने यहाँ एयरपोर्ट बना दिया। पुल की फोटो कहाँ की लगाते हैं, वेस्ट बंगाल से लाते हैं, पुल की फोटो लगा देते हैं, वेस्ट बंगाल की है, लगा यहाँ देते हैं, हमने भव्य पुल बना दिया। अरे भैया कहाँ बना दिया, किधर बना दिया भव्य, तो जहाँ हम खड़े हैं आप कैमरा घुमा के देख लो, और छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, मेरी बात पे ना जाना, इन बच्चों से सिर्फ पूछ लो और ना बोल दें अखिलेश यादव जिंदाबाद और अखिलेश यादव सरकार आएगी, मैं आपकी डिबेट में आना बंद कर दूंगा, जाके पूछ लीजिए। ये तो भाजपा सपा की बात है, बहुजन समाज पार्टी फाइट में नहीं है, क्यों बहन जी कहाँ है? बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के जनता के दिलों में आज भी है, शासन प्रशासन अनुशासन दिलों में जो है वोट में तब्दील नहीं होगा। 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी बनाने जा रही है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जिस तरह से इन्होंने लखीमपुर खीरी में टैनी साहब की हरकत आप लोगों के सामने नजर आ रही है, और ये बता रहे हैं सुरक्षा ये दे रहे हैं, अगर 5 किसानों की मौतें इनके लिए सुरक्षा प्रदान है तो इन्हें मुबारक हो। गोरखपुर में अगर एक व्यापारी को मार देना सुरक्षा है तो इन्हें मुबारक हो। अगर आप हाथरस में बेटी को जिंदा जला देना अगर वो सुरक्षा है तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। मैं पूछता हूँ चौतरफा कानून की धज्जियाँ उत्तर प्रदेश में अगर किसी पार्टी ने उड़ाया है तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उड़ाया है। माफियागर्दी किस तरह से दोनों सरकार में बढ़ी सबको पता है। आज इसीलिए भाई साहब मैं आपसे कह रहा हूं कानून द्वारा कानून का राज स्थापित कोई कर सकता है तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं। आज अगर टैनी आप बहुजन समाज पार्टी का वक्त होता, आप सबको याद होगा, आप लोगों ने चैनल में देखा था कि जिस तरह से हमारे अगर सरकार होती और किस तरह की बदतमीजी कोई करता तो अब तक वो पद पे तो दूर की बात है, जेल के सलाखों के पीछे होता। आप तो खुश होंगे। अच्छा मुझे लगता है हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, जरा सा हम गाजियाबाद आपको लेकर चलते हैं रविकांत के पास और उनसे जानते हैं कि यूपी में कौन जीतेगा। सर्वे के आंकड़े बीजेपी को बढ़त बता रहे हैं, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं जरा उनका मन टटोलिए। देखिए सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी से रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि स्टेक सबसे ज्यादा आपका जुड़ा हुआ है, लेकिन आप पीछे हैं। देखिए सपा का ग्राफ जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और चुनाव की तिथियां अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई हैं। चुनाव की तिथियां डिक्लेयर होने दीजिए, जनता का रुझान स्पष्ट रूप से है, जनता अपना मन बनाकर बैठी है कि इस बार किसकी सरकार। क्यों, क्या आप देखते हैं ऐसा कि समाजवादी पार्टी को लोग वोट देंगे? समाजवादी पार्टी को वोट देने का स्पष्ट कारण है कि समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान बीजेपी ने आपके गाजियाबाद में भी हिंडन का एयरपोर्ट बना दिया। हिंडन एयरपोर्ट की वास्तविकता से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हिंडन एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2019 में किया था जी। और अगस्त 2021 के अंदर हिंडन एयरपोर्ट की लीज समाप्त हो चुकी है मध्य रात्रि में। आज वर्तमान में समय सीमित है, सीधे अब आपको बाराबंकी लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे मौजूद है और अजय दुबे से जरा जानते हैं, अजय सत्ता तो जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष बीजेपी, वहीं सत्ता विरोधी वोट के तौर पर वोटर समाजवादी पार्टी को चुन रहा है, हालांकि बढ़त बीजेपी को बहुत ज्यादा है, 16% का फासला, 16% की बढ़त समाजवादी पार्टी के मुकाबले बीजेपी को अभी भी, सर्वे ये बता रहा है। अजय दुबे, निश्चित ही बढ़त इस खेल में अभी भी भाजपा के लिए बनी हुई है, नेताओं की प्रतिक्रिया हर तरफ से आ रही है, आम आदमी कैसे देख रहा है उन्हीं की प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या गुरु बाराबंकी में दो लोगों के बीच रेस है कि है और भी लोग हैं गेम में, भाजपा सपा के अलावा भी कोई है कि दो ही के बीच है? मेरे ख्याल से तो समाजवादी पार्टी एक नंबर पे है कि जो विकास कार्य अखिलेश यादव जी ने किए वो कोई नहीं कर सकता है। पिछले 17 से लेके और 22 आने वाला है ये सिर्फ कागज पे और झूठ पे सरकार काम कर रही है। अच्छा, अखिलेश के काम की बात आप कर रहे हैं, हमको बताइए मुद्दा कैसे क्या है, या आपको लग रहा है कि इन दो पार्टियों के अलावा बसपा भी रेस में है, कांग्रेस भी रेस में है कहीं? बाराबंकी में बातचीत है उनको? मैं राजेश कश्यप समाज से बिलोंग करता हूं और जो 2017 में बीजेपी आई आरक्षण के मुद्दे पे हमारे सबका वोट लेके चली गई, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। और ये अभी कल अमित शाह जी की रैली डॉक्टर से आरक्षण दो लोग मिला है, एक डॉक्टर संजय निषाद जी को और दूसरा उनके प्रवीण निषाद उनके बेटे को। आरक्षण को लेकर बात करें, बहुत बात करते हैं हम लोग, इस पर कंटिन्यूस करते हैं फिर करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस और बसपा के लिए गेम में है कुछ बाराबंकी में? गेम में है कांग्रेस। देखिए हमारे जो कश्यप समाज को अगर वो फायदा पहुंचाएंगे तो उनके बारे में बोलेंगे, वरना ये लोग समाज का बात कर रहे हैं। नेता जी टोपी एकदम रंगीन आप लोग का दिख रहा है, ये बताइए मुझको कि सपा और बीजेपी, बीजेपी अभी भी वैसे एज लिए हुए आगे तो बीजेपी दिख रही है, धीरे धीरे सपा का स्कोर बढ़ता दिख रहा है, कितना दिन लगेगा माहौल बनने में, क्या लग रहा है? देखिए दो बातें आपसे कहूंगा,
बीजेपी कहीं नहीं दिख रही है। इतना विरोध आज तक देश में किसी भी सरकार का नहीं हुआ जो आज के वर्तमान टाइम में हो रहा है। कहा गया है कि घर के अगर मुखिया को अगर इग्नोर किया जाएगा तो घर बर्बाद हो जाएगा। ये कृषि प्रधान देश है, इस देश में किसान को और व्यापारी को इग्नोर किया जा रहा है। और एक बात मैं आपको बताऊँ, व्यापार मीडियम क्लास व्यापारी को स्लो वजन दिया जा रहा है। बिल्कुल सीधे अब आपको चलते हैं, हमारे साथ हमारे नेशनल एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश भी मौजूद है। कुल मिलाकर अभिज्ञान, बड़ी बात जो सर्वे में उभर रही है वो यही कि जो सत्ता विरोधी वोट है वो बट नहीं रहा है, कमोबेश वो समाजवादी पार्टी के पीछे लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, जिसे मैंने कहा कि बाइपोलर बनता चला जा रहा है इलेक्शंस को जैसे जैसे ये नजदीक आ रहा है। और अभी भी ये पहले भी मैं कह चुका हूं कि अखिलेश यादव को एक लंबा सफर तय करना है। देखिए, आप एक फंडामेंटल पॉइंट जानकर चलिए कि बीजेपी 2017 में 325 सीट की पार्टी थी, तो पिछले सर्वे में जब नंबर्स आए थे तो वो तकरीबन 100 सीट नीचे आई थी। तो ये छोटा गैप नहीं होगा बीजेपी और ऑपोजिशन विपक्ष के बीच में, जिसमें कि मुख्य विपक्ष इस वक्त जो है वो समाजवादी पार्टी है, तो इसको अभी और कवर करने का रास्ता। लेकिन मुख्य विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी लोगों की पहली पसंद क्यों बन रही है, आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे बिल्कुल सीधी वजह यह है कि बहुजन समाज पार्टी जो है, क्योंकि वही एक रीजनल फोर्स के तौर पर पहले सत्ता में रह चुकी है। कांग्रेस तो 1989 से 1989 से किसी पावर प्ले में किसी भी सत्ता के करीब नहीं रही है उत्तर प्रदेश में। तो बहुजन समाज पार्टी चूंकि उस पोजीशन से कमजोर हुए है, तो स्वाभाविक तौर पर जो बड़ी राइज है एक विपक्ष के तौर पर वो सीधे अखिलेश यादव को मिली, इस बात के बावजूद कि इस चुनाव में मुलायम सिंह यादव नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।